सर ने उनको बोला कि कल आ जाना पुलिस स्टेशन 10 बजे। ये एप्लीकेशन आराम से पढ़ लेना, ठीक है। एंड इसने इतनी इतनी गालियां दी मुझे, मेरी बहन को गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी, विदाउट एनी रीजन। सर ने बोला अगर 10 बजे तक नहीं आया कल, 11 बजे मैं इनके खिलाफ एफआईआर काट दूंगा, कंफर्म। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो गाइस, जस्ट अभी उठा हूं नींद से, ठीक है। सुबह से बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, लगभग अभी टाइम आया 12:30। वेल, कुछ भी हो, व्लॉग तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो करते हैं आज का दिन स्टार्ट। सबसे पहले मैं धोता हूँ मुंह, करते हैं ब्रश व्रश अच्छे से, एंड फिर जाता है नीचे एंड पीते हैं चाय। ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइस, आफ्टर फेस वॉश देखो बाल मेरे कैसे हो गए आज। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सा। तो ये मैं लगाता हूँ कभी कभी, ज्यादा नहीं, लेकिन जब मेरे दाने ज्यादा निकलते हैं फेस पे तो ये चीज जरूरी लगानी होती है। इससे एक तो फेस पे ठंडक मिलती है, सेकेंड चीज ये आपके फेस को नरम करता है एंड दाने भी गायब करता है, ठीक है। सो ये चीज जरूरी है। मम्मा आप मेरे को चाय दे दो। यहाँ से माँ बेटी, वो रहा मिठू, ये रहा मिठू की बेटा की बेटी है, पता नहीं इसे बेटा की बेटी कूर। सो इसके बाद कभी कभी जब मेरे बाल ऐसे पड़ते हैं ना, तब मैं हेयर सीरम से सेट करता हूँ, एंड हेयर सीरम मैं करता हूँ यूज ये मैन डिजर्व की, एंड सही में इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। लास्ट 1.5 साल से मैं प्रोडक्ट इनके यूज कर रहा हूँ, बट कभी वीडियो में दिखाया नहीं। सो आज दिखाता हूँ, एंड जैसे बाहर रखो वैसे। मैन डिजर्व का मेरे पास ये भी है, इससे बाल होल्ड रहते हैं किसी हद तक, ठीक है। लेकिन इस सीरम के बाद अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। देखो अभी शाइन है बालों में, तो ये शाइन जब तक गायब ना हो तब तक आपको ये क्रीम नहीं लगाना है, वरना बालों की माँ बहन होने में 10 दिन भी लगेंगे। एंड कभी कभी जब मैं पफ रखता हूँ, जब मैं कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल रखता हूँ, तब मैं ये यूज करता हूँ, गैट्सबी का पोमेड। ये स्प्रे में होता है, दिखाता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका प्राइस है 250, लोकल मार्केट से ही मैंने खरीदा है। एंड परफ्यूम जो कि डैश डैश ने दिया है, ये परफ्यूम मेरे को बहुत पसंद आई। सो सुबह सुबह ये भी लगाते हैं थोड़ा। आज पहली बार इस टाइप का ब्लॉग बना रहा हूँ। वेल, अगर आपको इस टाइप का ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे को जरूर बताना कि मेरे को इस टाइप के ब्लॉग्स बनाने चाहिए या नहीं, ठीक है। चाय भी बना ली होगी उन्होंने, मैं पहले चाय पीता हूँ। मैं मदद से कहा था हफीजा जी, बाबी जी का भाई की अब फिर भी कितने दिन रखते हैं? 2-3 दिन बस, लगभग 5 दिन। चलो ज्यादा ही रखना होगा पहले दिन, ठीक है। पहले टाइम ज्यादा ही रखना होता है, आराम से टाइम स्पेंड करेगी उधर, फिर अच्छे से आएगी, है ना। इसमें क्या है? कुलचा। अच्छा कुलचा है, इस्लामाबाद कुलचा। आप क्या प्लान है, खुद को खाना है किसी और को देना है? अच्छा इनको देना है, ठीक ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है। क्या इसे खोला? खबर बिशन पर। वाला जी से क्या वाला? कुरान उस बच्चे गड़बड़ है सर। बहुत चीज़ खतर वीडियो और बस खस बस। ये मैं क्यों वीडियो से किस तरह की? क्या? ये टी और किया। मुश्ताक करा बेइज्जती। मुश्ताक जी बेइज्जती करो बस। चलो देखते हैं क्या होगा। पीते हम चाय। सो गाइस, चाय शाय तो पी ली मैंने एकदम बढ़िया तरीके से, एंड अभी मैं होता हूँ रेडी, क्योंकि मेरे को जाना है 2:30 बजे डैश डैश के पास, ठीक है। आज बहुत समय बाद मिल रहे हैं, तो अब कमेंट नहीं करा कि तो रोज रोज मिलता है उससे, आज बहुत समय बाद मिलना है, तो जाते हैं देखते हैं क्या क्या रहता है। ओके, बने रहे। सो गाइस, ये रहा मेरा आउटफिट, मैंने सारा ब्लैक पहना, जीन से लेके ये भी मैंने ब्लैक पहना, आज सारा ब्लैक पहना, ठीक है। हमेशा बताना ये कैसा हुआ है, ठीक है।
निकलते हैं हम अपने सफर की ओर। सो गाइस आई एम रेडी, तो निकलते हैं हम, ठीक है, बिना किसी बकवास के निकलते हैं। तो जी निकल गया मैं घर से एंड आपसे मिलते हैं डायरेक्ट डेस्टिनेशन पर। लो जी पहुंच गया हमारा सेक्सी सेक्सी फ्राइड राइस। ये मेरे को कुछ टाइम पहले कॉल कर रहा था, अभी ना अभी आज के दिन ही कॉल कर रहा था, एंड इसने इतनी इतनी गालियां दी मुझे, मेरी बहन को गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी, विदाउट द रीजन। पता नहीं क्यों गालियां दी, किस रीजन से गालियां दी। अभी मैं जा रहा हूँ नजदीकी पुलिस स्टेशन जो कि उधर पड़ता है, ठीक है, तो जाते हैं देखते हैं क्या बोलेगा। मसला सीरियस है बहुत ज्यादा, मैं लाइट ही नहीं ले सकता। आप इन्होंने कहा एप्लीकेशन एक लाओ, उस पर सारा मेंशन करके लिखो, तो मैं जाता हूँ एप्लीकेशन लिखने, ठीक है। ये एप्लीकेशन आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब बहुत हो गया, ठीक है, अब इसने हद पार कर ली। राइट अपक, सो गाइस कर ली मैंने S2 साहब से बात, तो इन्होंने उनको कॉल किया लाइव, उन्होंने इनको कॉल किया मेरे सामने, बाकी क्या हुआ वो मैं आपको घर में सारा बताऊंगा, ठीक है, बस बने रहे आप। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ सारा मसला कि कैसे हुआ एंड कब हुआ। जब मैं घर से निकला था वलीज कैफे की ओर, तो फिर हम खा रहे थे, तो अचानक से मेरे फोन पे कॉल आता है। तो सिंपली मैं बात करता हूँ, पहले वो बंदा मुझको बोलता है कि मैं आपका फैन हूँ, मैं ऐसे हूँ, ठीक है। मैंने अच्छे से बात की, प्यार से मैंने बात की, फिर उसने वहां से बहन की गाली थी, पहले किया कट कॉल, अब मैंने वापस किया कॉल दी, उसने और गालियाँ कंटिन्यू गालियाँ दी, मेरे पूरे खानदान को गालियाँ दी, एवन यहाँ तक कि मेरे मुर्दों तक को गालियाँ दी। तो ये बात हुई, अब मेरी बारी आई, मेरा दिमाग भी सनका बहुत ज़्यादा, तो मैंने भी वापस दी गालियाँ, मैंने कंटिन्यू गालियाँ दी, वो भी वहाँ से दे रहा है, मैं भी यहाँ से दे रहा हूँ गालियाँ, ठीक है। अब जब उसने हद पार कर दी, वो रुक नहीं रहा था, वो बार बार कॉल कर रहा था, दे रहा था गालियाँ, तो मैं गया पुलिस स्टेशन, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ आज पहली बार नहीं हो रही है। लगभग इससे पहले 50-60 बार मेरे को बंदों ने कॉल किया होगा, गालियाँ दी होगी, बट मैंने उनको पता नहीं मैं क्या आरोप हुआ, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो लाइट ही लिया वो सब मसला, क्योंकि मेरे को लगा कि ऐसे बेचारों की लाइफ खराब होगी अगर मैं FIR काटूंगा। लेकिन मैं आज गया पुलिस स्टेशन, वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो मैंने एप्लीकेशन ली एंड दी मैंने SI sir को, ठीक है। तो सुहेल सर भी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नए SI sir आया है, लेकिन बहुत अच्छा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है, ठीक है। उनने मेरे को बोला कि फहीम पहले तुम देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे निकले, इनको कॉल किया गया, इन्होंने बस थर थर पत, इनने सर ने फिर मेरे को बोला कि ये बच्चे हैं फहीम, पहले सोच लो, मुझे FIR लिखने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, मेरे को अभी लिखना है एंड मैं दे दूंगा, फिर किस कोर्ट पर, ये फिर कोर्ट तक पहुंचेगा, इनकी लाइफ खराब होगी, इनको ना पासपोर्ट देंगे, नौकरी तो दूर का सवाल है, ये सर के वर्ड्स है। मैंने कहा सर कितने मौके दूं मैं इनको, ये मौका देने के लायक नहीं है, प्लीज सर आप एक्शन लीजिए इनके खिलाफ, ऐसे मैंने किया उनको। उन्हें बोला फहीम मैंने इनको कल तक बुलाया है, सर ने उनको बोला कि कल आ जाना आप पुलिस स्टेशन 10 बजे। मैंने फिर सर को बोला कि सर अगर ये 10 बजे तक नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। सर ने बोला अगर ये 10 बजे तक नहीं आए कल, 11 बजे मैं इनके खिलाफ FIR काट दूंगा कन्फर्म। फिर सारा मसला हाई लेवल पर जाएगा एंड फिर इनकी लाइफ भी खराब होगी। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ऐसे गालियाँ मत दो, हमारी भी फैमिलीज है, मेरी भी फैमिलीज है, मैं सब क्रिएटर्स का बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स को गालियाँ देते हो, तो हमारी भी फैमिलीज है गाइज, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, तो ऐसे गालियाँ मत दिया करो प्लीज़। सो घुल गड़ा मेहरबानी करके गालियाँ मत दिया करो, वरना इसके वरना आज मैंने एक्शन ले लिया, मैं नहीं चाहता कि किसी और की लाइफ खराब हो जाए मेरी वजह से, ठीक है। अब सारा कल पता चल जाएगा कल क्या होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।